कोरोना महामारी के चलते जिला कांगड़ा में पर्यटन उद्योग लगभग बंद होकर रह गया है। उसका पर्यटन कारोबार को प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। ये बात होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्विनी बांबा ने कही। बांबा ने कहा कि जिला में लॉकडाउन के चलते होटलों को बंद हुए लगभग एक माह हो चुका है। सभी होटलों ने अपने कर्मचारियों को मार्च माह का पूरा वेतन दे दिया है, जबकि अप्रैल का वेतन होटल कारोबारी अपने संसाधनों से कर्मचारियों को देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगभग एक माह से होटल बंद होने के चलते पूरा वेतन देने में होटल कारोबारी भी असमर्थ हैं। हमारी सरकार से मांग है कि बैंकिंग सेक्टर से एक वर्किंग कैपिटल आसान तरीके से 0% ब्याज पर कम से कम एक साल के लिए लोन का प्रावधान किया जाए, जिससे कि होटलों पर ताला लगने की नौबत ना आ जाए और स्टाफ को भी परेशानी ना हो। अश्विनी बांबा ने कहा कि जिला कांगड़ा की बात करें तो 75,000 के लगभग लोग रोजगार के लिए पर्यटन कारोबार से जुड़े हैं। होटल उद्योग की स्थिति को अपने स्तर पर संभालना मुश्किल है, इसमें सरकार को भी मदद करनी होगी। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से मिलकर सैलरी फंड बनाए, जिससे कि लॉकडाउन के दौरान और आगामी 6 माह तक होटल कारोबारी स्टाफ की कम से कम 50% सैलरी का इंतजाम कर पाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार के साथ राज शर्मा।